नमस्कार दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने इस चैनल के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं जो आपके काम के होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। भाजपा ने नीतीश के ऊपर कुछ कटाक्ष किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए कहा। नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि दशहरे के दिन गांधी मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में नीतीश के आते ही रावण भी धराशाही हो गया, क्योंकि उसने देखा कि उससे भी ज़्यादा अभिमानी व्यक्ति सामने खड़ा है। अपने फेसबुक पोस्ट में संजय जायसवाल ने लिखा है कि उनके इलाके में एक शब्द चलता है, गल थेथरही करना। नीतीश कुमार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। भाजपा अध्यक्ष ने लिखा कि पिछले साल से ही नगर विकास विभाग और एडवोकेट जनरल के कहने के बावजूद इन्होंने कोई चिंता नहीं की। निकाय चुनाव का सबसे आसान तरीका मध्य प्रदेश की तरह विधानसभा में एक संकल्प लाकर आरक्षण के अधिकार का कागज बनाकर चुनाव करना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि जब मानसिकता चुनाव कराने की बजाय नगर निकाय में आने वाले धन को लूटने की हो, तब चुनाव जितना देर हो सके उसी में तो फायदा है। यही नीतीश कुमार की मंशा है, इसलिए नीतीश कुमार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और मनमानी की। भाजपा प्रदेश संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और हाई कोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार दिए गए निर्णय के खिलाफ नीतीश कुमार जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार अभी भी आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के नियमानुकूल लागू करने के बजाय गलत थेथरही कर रहे हैं। उनकी मानसिकता केवल चुनाव को लटकाने, अटकाने और भटकाने का है। दोस्तों, इस प्रकार की सूचना के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।